हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक में से किसी की इताअत नहीं की जाएगी जिससे खालिक की मासियत लाजिम आती है। आपके वालिदैन वो भी मखलूक है, वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हुक्म दे नहीं मानेंगे आप। हालांकि है वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, फरमा बरदारी अच्छी बात है, उनकी खिदमत करो, लेकिन नहीं, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई हुक्म देंगे तो नहीं माना जाए। आपके असातिज़ा हों, आपके बुजुर्ग हों, आपके हाकिम हो, कसे पाशद, ला ताअत लिमखलूक फी मासियतिल खालिक, इताअत मुतलक सिर्फ अल्लाह के लिए, बाकी सबकी इताअत अल्लाह की इताअत के ताबे होगी, अल्लाह की इताअत के दायरे के अंदर अंदर होगी, जिससे अल्लाह का कोई हुक्म ना टूटता हो, अल्लाह की शरीयत का कोई हुक्म जो है पामाल ना होता हो, तब तो इताअत की जाएगी। वरना अगर किसी के भी किसी हुक्म से, वो हाकिम हो, वो आपके उस्ताद हो, वो आपके वालिदैन हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, खानदान के लोग हो, कोई हो, अगर आपने उनकी बात मान ली, ऐसी बात के जिससे अल्लाह ताला के किसी हुक्म की नफी हो गई, अल्लाह ताला के किसी हुक्म की जो है उसके अंदर नफी हो गई, तो फिर ये शिर्क हो जाएगा, शिर्क फिल इताअत। हाँ, अल्लाह ताला की इताअत के दायरे के अंदर अंदर इताअत कर दोगे, कोई हर्ज नहीं।